नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बाजी जिनके हाथ लगी है वो कह रहे हैं यहां के हम हैं सिकंदर। दरअसल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। जिला पंचायत सदस्य के सभी 3050 पदों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं एसपी फायदे में रही है। इस बार निर्दलियों ने भी बड़ी संख्या में जीत हासिल की है। वहीं अब जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा, इसे लेकर रोमांच बढ़ता जा रहा है। बात सबसे पहले अमेठी की करते हैं। अमेठी में नतीजों के बाद पंचायत अध्यक्ष को लेकर लगातार वहां पर एक जो दौर है वो उसकी शुरुआत हो गई है और कौन बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष इसकी तैयारी भी जोर शोर से है और नाम भी सामने आ रहे हैं। कुर्सी के लिए सपा और बीजेपी में दिलचस्प मुकाबला है। पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी से राजेश अग्रहरी दावेदार हैं तो सपा से शीतल सिंह भी पंचायत अध्यक्ष की रेस में है। बीजेपी के 8, कांग्रेस के 2, सपा के 9 और बीएसपी के 3 सदस्य हैं। अमेठी में निर्दलीय के खाते में 13 सीटें आई हैं और इसलिए निर्दलीय सबसे बड़ी भूमिका में है। तो अमेठी में राजेश अग्रहरी जो बीजेपी से हैं और शीलम सिंह जो कि समाजवादी पार्टी से हैं और दोनों में टक्कर है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वहां पर जो फैसला होगा वो निर्दलियों के हाथ में होगा। नतीजों के बाद पंचायत अध्यक्ष की रेस लगातार बरकरार है। उन्नाव की अगर बात कर ली जाए तो उन्नाव में कौन बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष और उसके लिए पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी से शकुन सिंह दावेदार हैं, जबकि सपा से मालती रावत भी पंचायत अध्यक्ष की रेस में हैं। बीजेपी के पास 8 सीटें हैं जबकि समाजवादी पार्टी के पास 20 और बीएसपी के पास 3 सदस्य है, यानी समाजवादी पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी से शकुन सिंह जबकि समाजवादी पार्टी से मालती रावत हैं और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 20 सीटों के साथ सबसे आगे है और इसलिए इनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बागपत की अगर बात कर ली जाए तो बागपत में कौन बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष और वहां की भी हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। खासकर आरएलडी प्रत्याशी ममता दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी से बबली देवी दावेदार हैं। आरएलडी के 8, बीजेपी के 4 और समाजवादी पार्टी के 4 सदस्य हैं, जबकि आरएलडी सबसे ज्यादा वहां पर सीट है। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा वो अभी बताना मुश्किल है, टक्कर है। बात बुलंदशहर की करते हैं। बुलंदशहर में क्या समीकरण बनते हैं वो हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि कौन कौन वहां पर रेस में है। पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए बीजेपी और आरएलडी में दिलचस्प मुकाबला है। पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी से डॉक्टर अंतुल तेवतिया दावेदार हैं, जबकि आरएलडी से आशा यादव भी पंचायत अध्यक्ष की रेस में हैं। बीजेपी के पास 10 सीटें हैं जबकि आरएलडी के पास 6, सपा के पास 2 और बीएसपी के पास 10 सदस्य हैं। बुलंदशहर की अगर बात कर लें तो निर्दलियों के खाते में 13 सीटें आई है, यानी सबसे ज्यादा। और बस्ती की अगर बात कर लेते हैं तो बस्ती में भी काफी जो है दिलचस्प मुकाबला है और वहां का जो समीकरण है वो जरा देख लेते हैं। बीजेपी से संजय चौधरी दावेदार हैं, जबकि निर्दलीय से मुराती देवी पंचायत अध्यक्ष की रेस में हैं। निर्दलियों के लिए 16 जबकि बीजेपी के पास 9 सदस्य है। तो बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी संजय चौधरी और मुराती देवी, इन दोनों में कांटे की टक्कर है। अब देखना यह होगा कि पंचायत जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष कौन बनते हैं। तो संजय चौधरी और मुराती देवी, ये है समीकरण। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों का कि क्या तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इस पद के लिए जो दावेदार होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि पकड़, यानी कि धन और बल, इससे जो मजबूत होंगे वहीं पर वही वहां पर जीतते हैं या फिर जो सदस्यों को अधिक सदस्यों को अपने पाले में करने में सक्षम होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और लगातार हम आपको अलग अलग जिलों की जो तस्वीर है, समीकरण है जो हम बता रहे हैं, बस्ती से जो निर्दलीय प्रत्याशी मुराती देवी हैं वो अभी इस वक्त उनका पलड़ा काफ़ी भारी है क्योंकि उनके पास सीटें अधिक है। बुलंदशहर की बात कर लेते हैं
बुलंदशहर में डॉक्टर अंतुल तेवतिया और आशा यादव में टक्कर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। तो सुखबुगाहट के साथ हमारे रिपोर्टर लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार जिले में हो क्या रहा है और किसके पलड़े कितने भारी हैं और कौन कौन से लोग किस तरीके से कवायद कर रहे हैं। हमारे सब सीधे चलते हैं उन्नाव। हम अपने संवाददाता के पास नीरज हैं इस वक्त हमारे साथ जो जुड़ गए हैं। नीरज, जहां तक उन्नाव की बात कर लीजिए, जिस तरीके से वहां पर टक्कर देखने को मिल रही है तो वहां पर अभी से कवायद शुरू हो गई होगी, क्या देखने को मिल रहा है, क्या समीकरण कहता है? देखिए, जब से पंचायत चुनाव शुरुआत हुई थी तब से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने इसमें अपनी ताकत झोंकी थी। हालांकि जो रिजल्ट आए हैं, क्योंकि कुल जिला पंचायत सदस्यों की सीट जो 51 थी उनमें से 8 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, जबकि समाजवादी पार्टी को 20 सीटें मिली हैं और 20 सीटें निर्दलियों को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए इस समय सबसे प्रबल दावेदार हैं, मालती रावत, वो सबसे आगे बढ़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि पूर्व अजीत सिंह जो पूर्व एमएलसी थे उनकी पत्नी, उनको आगे किया गया है और दूसरे नंबर पर भाजपा के ही अरुण सिंह भी हैं। ये दोनों लोग लाइन में लगे हुए हैं और लगातार जो कवायद है वो चल रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं वो निर्दलियों के ऊपर निर्भर हैं, जबकि जो समाजवादी पार्टी है उसके अपने 20 खुद के जिला पंचायत सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है बड़े कांटे की है, क्योंकि अब जो है उसकी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी होगी और खरीद शुरू होगी। अब जो निर्दलीय हैं उनको अपने खेमे में लाने का प्रयास शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, लेकिन उन्नाव के अंदर समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है वो काफी मजबूत है। जी बिल्कुल नीरज, हम सभी जिलों की जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि निर्दलियों के पास ही चाबी है, रुझान किधर है निर्दलियों का? देखिए, जिस तरीके से जब चुनाव शुरू हुआ था तो कई बार के मामले उन्नाव से उठकर आए हुए थे कि निर्दलियों ने कांग्रेस के जो सदस्यता ली थी उसको छोड़ करके वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये बात मालूम था कि चुनाव होगा और अगर वो विजयी हुए तो खरीद फरोख्त का जो काम है वो शुरू होगा। और जो निर्दलीय है वो पूरी तरीके से इस सत्ता यानी भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी तरफ उनका रुझान रहेगा, क्योंकि 20 जो सीटें हैं ऑलरेडी समाजवादी पार्टी की है और 20 ही सीटें निर्दलीय की हैं। तो कहीं ना कहीं उन्नाव में जो है निर्दलियों को एक कट्टी रेट, चाहे वो अरुण सिंह हो चाहे शकुन सिंह हो, सारे निर्दलियों को एक तरफ जाना पड़ेगा, वरना समाजवादी पार्टी का वर्चस्व कायम हो जाएगा, क्योंकि उनके पास में अपनी जो 20 सीटें हैं वो पूरी मजबूत सीटें हैं और ये मजबूत सीटें कहीं ना कहीं निर्णायक न साबित हो, इसको लेकर निर्दलियों के ऊपर सारा कंसंट्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि जो निर्दलीय हैं वही इस जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए परिणाम जो है उसको पांचवी घोषित करेंगे। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। हम चलते हैं बागपत। बागपत में इस वक्त क्या समीकरण बन रहा है, किस कौन वहां पर मजबूत दावेदारी में है और निर्दलियों का क्या रुझान है? हमारे साथ विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, जहां तक बागपत की बात कर ली जाए, सभी जगहों पर जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इस वक्त जो पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर निर्दलीय जो प्रत्याशी जो जीते हुए हैं वो सबसे मजबूत भूमिका में है, यानी चाबी उनके पास ही है और सबका रुझान अब निर्दलियों की तरफ है। बागपत की क्या तस्वीर है? मैं जी आपको बता दूं, बागपत के अंदर जो 20 वार्ड है, 20 वार्ड में कम से कम 8 वार्डों पर आरएलडी ने कब्जा किया है, इसमें 4 सपा और 4 भाजपा, 3 निर्दलीय और 1 बसपा ने पूरी तरह से कब्जा किया है। लेकिन पूरी तरह से जो यहाँ पर साफ स्थिति देखने को मिल रही है, आरएलडी पूरी तरह से इस चीज पर कब्जा कर रही है कि जिसमें 12 सीटें कम से कम चाहिए, जिसमें देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलाकर 12 सीटें हो रही हैं। 12 सीटें मिलने से सपा स्पष्ट निकल कर आ रहा है कि आरएलडी इस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट को कब्जा कर रही है। ये देखा जाए कि जिसमें भी बाहर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें आरएलडी और समाजवादी पार्टी का आपस में दोनों का गठबंधन है, गठबंधन को देखते हुए अगर आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर ये सीट को अपने आप कब्जे में कर रही है, अगर बात मानी जाएगी समाजवादी पार्टी इन गठबंधन नहीं करती तो आरएलडी को फिर से खरीद फरोख्त करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि कई जगहों पर कई जिलों से जो तस्वीर आ रही है सामने उसमें यह भी देखा जा रहा है कि आरएलडी के अलग और समाजवादी पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट हैं। तो इस सूरत में जो आप कह रहे हैं कि अगर गठबंधन होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तब तो ठीक है, और नहीं अगर अलग अलग लड़ेंगे तो फिर वहां पर
खरीद फरोख्त जो जो पहले से जो तय है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। देखा जाए जिस तरह से 15 साल से जो बागपत के विधायक योगेश धामा है इस जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर उनका कब्जा था और इस वक्त बागपत के अंदर समाजवादी पार्टी और लेकर भाजपा की पार्टी को 4-4 सीटें आई हैं और निर्दलीय की 3 सीट है और एक बसपा की 1 सीट है। राजनीतिक गुरु के गुरु माना जाए तो देखे जाए तो भाजपा के जो विधायक हैं योगेश धामा उनका 15 साल से उस पर कब्जा था और किसी कारणवश योगेश धामा ने या किसी भाजपा सरकार ने अरे इसको खरीद फरोख्त का सामने मामला आया तो आरएलडी को इस सीट को खरीदने में बड़ी मुश्किल होगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें धन और बल दोनों का बहुत ही मजबूती से इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद आपका रसूख पार्टी के अंदर कितनी आपकी पकड़ है उसमें कौन आगे दिख रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से आप देखा जाए कि भाजपा के यहाँ पर 4 सीट आई है और लगातार 15 साल से जो बागपत के विधायक योगेश धामा है आज जो ये पूरी तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पे उन पर कब्जा था और जो बागपत की जो भाजपा की राजनीति है योगेश धामा की ये जिला पंचायत से ही शुरू हुई थी और शुरू होने पर देखा जाता है कि अगर इसको सीट का मोह हुआ तो सबसे बड़ी बात होगी खरीद फरोख्त की और अब ये आने वाला टाइम बताएगा कि कौन किस ऊंट किस करवट बैठेगा। नीरज अगर उन्नाव की बात कर ली जाए और यही सवाल अगर उन्नाव में भी अगर लागू होता है तो वहां पर कौन आगे बढ़ रहा है। देखिए उन्नाव का जो सिनेरियो है बिल्कुल अलग है क्योंकि उन्नाव में इस बार का जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ उसमें बड़े विधायकों ने अपनी इज्जत दांव पर लगाई और अपने प्रत्याशियों को जिता नहीं पाए। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो 20 सीटें आई है कहीं ना कहीं ये जो जनता का रुझान है वो समाजवादी पार्टी या तो उनका व्यक्तिगत जो विकास करने वाला कैंडिडेट है निर्दलीय कैंडिडेट है उसके ऊपर जनता ने विश्वास दिखाया है क्योंकि जो 51 में 20 सीटें जो है वो निर्दलीय को मिली है और 20 सीटें जो है वो जो है सपा को मिली है 3 सीटें बसपा को मिली है तो इस तरीके से निर्दलीय और सपा के ऊपर जनता ने विश्वास जताया है तो यहाँ पर जो रसूख है वो बिल्कुल काम नहीं किया है। अब कि चुनाव जब जिला पंचायत अध्यक्ष का होगा उसमें खरीद फरोख्त ही काम चलेगी उसमें जो रसूख है वो कहीं भी काम नहीं आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण है वो बिगड़ गया। जो सीटों का निर्धारण जो आरक्षण का निर्धारण कई बार हुआ पहले लिस्ट आई लिस्ट फिर बदल गई उसके बाद फिर नई लिस्ट आई इसको लेकर के जो एक गणित लगाई गई थी वो बदल गई और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को उन्नाव में मिला निर्दलियों को मिला तो कहीं ना कहीं जो निर्दलीय है वो बड़ा रोल प्ले करेंगे उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों जो हमारे संवाददाता बने हुए थे और लगातार जानकारी दे रहे थे कि क्या किस तरीके से समीकरण बन रहा है और देखना होगा अब इंतजार करना होगा कि क्या होता है। हालांकि इसका जो शोर है अब सुनाई देना शुरू कर दिया है। फतेहपुर सिकरी की अगर बात कर ली जाए तो फतेहपुर सिकरी विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत ताजपुर नगरिया से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अनिल कुमार ने जीत के बाद क्षेत्रीय जनता का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता से किए हुए वादों को 100% पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कोविड नियमों का पालन करने की भी अपील की है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का समापन हो चुका है तो वहीं उत्तर प्रदेश में जो 2 मई को परिणाम आने के बाद में ग्राम पंचायतों पर ग्राम प्रधान भी निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं आज हमारे साथ में मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगरिया ताजपुर नगरिया के ग्राम प्रधान अनिल कुमार और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे जो चुनावी समर का माहौल है वो क्या रहा है और जो क्षेत्रीय जनता से क्या कहना चाहते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत न्यूज़ वन इंडिया पर और जीत के लिए न्यूज़ वन इंडिया परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके जो जीत मिली है उसके बारे में ग्रामीण जनता के लिए आप पहली बार क्या कहना चाहते हैं। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो समस्या है उनको पूरा करूंगा मैं। ग्रामीण जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं इस जीत के बारे में? जो पब्लिक ने मेरे लिए जो भरोसा दिलाया है मैं उस भरोसे को पूरा खड़ा उतरूंगा। ग्राम प्रधान होता है वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, ग्राम पंचायत का व्यक्ति होता है और ग्रामीण जो समस्याएं होती हैं वो तमाम उसके सामने आती हैं, देखता भी है उनको। तो आपके क्षेत्र में ऐसी क्या समस्याएं हैं जो ग्रामीण जनता फेस कर रही है? सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है, पानी की। पानी बिल्कुल गांवों में खाली है हमारे में और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता आज है कि मीठा पानी की व्यवस्था की जाए। हमारे चैनल के माध्यम से जो आपकी जो ग्रामीण जनता है उसको क्या कहना चाहिए?
मैं पब्लिक के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे लिए वोट दिया है, सपोर्ट किया है और उनका मैं ऋणी हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ग्राम सभा के लिए। हाँ, और कोरोना महामारी में 2 गज की दूरी लगें, मास्क लगा के रखें और सैनिटाइजर करते रहें हमेशा। हमारे साथ में मौजूद थे जो ग्राम प्रधान हैं, नवनिर्वाचित जो ग्राम प्रधान हैं अनिल कुमार हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनके द्वारा जो क्षेत्रीय जनता से, जो ग्रामीण जनता से जो वादे किए गए थे उनको वो पूरी तरीके से शत प्रतिशत पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो वहीं इस कोरोना महामारी के बीच में उन्होंने क्षेत्र जो ग्रामीण जनता है उससे अपील की है कि वो लगातार जो कोविड-19 जो गाइडलाइन है उसका पालन करते रहें, हैंड सैनिटाइज करें और जो मास्क है उसका प्रयोग करें और वहीं 2 गज की दूरी का पालन करें। न्यूज़ वन इंडिया के लिए चंद्रकांत शुक्ला, आगरा देहात। रायबरेली से समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए विक्रांत अकेला ने ताल ठोक दी है। इस मौके पर उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। चुनाव संपन्न होने के बाद जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के बाद अब मैदान में और प्रबल दावेदार भी हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के, हमारे साथ हैं विक्रांत अकेला। महाराजगंज प्रथम से वो ब्लॉक प्रमुख पहले भी रह भी चुके हैं और उसके बाद उनके पिताजी रामलाल अकेला जो वहाँ से क्षेत्रीय विधायक भी रह चुके हैं और ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में समाजवादी पार्टी से मजबूत चेहरा भी माने जाते हैं। सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया पे आपका स्वागत है। जिस तरह से चुनाव जीत कर आप आए हैं, आपको प्रबल दावेदार माना जा रहा है, टक्कर नहीं है किसी से, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले सबने महाराजगंज जनता को, जो हमारे सम्मानित मतदाता हैं, उन्होंने जो आशीर्वाद जो प्यार दिया है उसका मैं सदैव ऋणी रहूँगा और उनको विश्वास दिलाता हूँ, जो आशीर्वाद जो विश्वास उन्होंने बनाया है हमारे लिए उस विश्वास पर हम सदैव कायम रहेंगे। और अपने नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पूरे चुनाव में उन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का काम किया है। अमृतान जी, जिस तरह से आपने कहा कि अभी हमें प्रत्याशी, मैं अपने आप को प्रत्याशी नहीं मान रहा हूँ, क्षेत्र की जनता की अगर बात की जाए या रायबरेली शहर की या गांव क्षेत्र की बात की जाए तो सीधे तौर पर दो ही नाम सामने निकल के आ रहे हैं, एक विक्रांत अकेला और एक आरती सिंह। नहीं देखिए, लोग प्रयास ज़रूर लगा रहे हैं लेकिन जब तक हमारी पार्टी ये तय नहीं करेगी कि समाजवादी पार्टी का कौन कैंडिडेट रहेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। जिस दिन हमारा जिला नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट तय कर देगा उस दिन हमारे समाजवादी पार्टी के सारे साथी सारे सदस्य एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के जीत दिलाने के लिए जितोड़ मेहनत करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बड़ा चेहरा थे, उन्हीं के परिवार का ही कोई ना कोई जिला पंचायत अध्यक्ष दोबार से बन रहा था, इस बार उन्होंने भी कई लोगों को पास किया था लेकिन किसी की जीत नहीं हो पाई। देखिए, समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिले का नेतृत्व ये बहुत ही समझदार है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के हित में फैसला लेने का काम करेगी। बिल्कुल, तो ये थे विक्रांत अकेला और जिन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत तो दर्ज की और अब कहीं ना कहीं से जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। फिलहाल उन्होंने अपने तरफ से ये जरूर कहा है कि पार्टी जो निर्णय लेगी कि वो आगे मान्य होगा। और धन्य प्रसन्न, तो कौन बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष, इसके लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है हर जिले में। अब देखना होगा कि इसमें रिजल्ट क्या आता है। फिलहाल इतना ही।